कैंट पुलिस ने दो पहिया वाहनों को चुराकर नेपाल ले जाकर बेचने वाले अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद किया, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने पुलिस के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 3 अभियुक्तों को पावर हाउस मोहद्दीपुर के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान हंस राज निषाद पुत्र भगवान दास निवासी शहादतगंज तोपुर थाना कैंट अयोध्या, दूसरा दीनानाथ पुत्र रविंद्र केवट निवासी उर्वच थाना नवलपरासी जिला नवलपरासी नेपाल, तीसरा अनिकेत राय पुत्र भीम शंकर राय निवासी सुरस देवरिया थाना हरपुर बुधहट जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। एसपी सिटी ने बताया कि 22 मार्च को रात्रि में 10:45 पर नाइट गश्त के दौरान हंसराज निषाद पुत्र भगवान दास निवासी शहादतगंज तोपुर थाना कैंट अयोध्या, दीनानाथ पुत्र रविंद्र केवट निवासी उर्वच थाना नवलपरासी जिला नवलपरासी नेपाल व अनिकेत राय पुत्र भीमशंकर राय निवासी सुरस देवरिया थाना हरपुर बुधहट जनपद गोरखपुर के कब्जे से 3 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद करते हुए गिरफ्तार किया गया। और गिरफ्तारी के बाद पूछताछ पर इन लोगों ने बताया कि हम लोग जनपद गोरखपुर के भिन्न भिन्न थाना क्षेत्रों से व अगल बगल के जिले बस्ती देवरिया महाराजगंज से दो पहिया वाहनों की चोरी करते हैं और इनको मोटरसाइकिल स्टैंड पर खड़ी कर देते हैं, और हम लोग नेपाल के रहने वाले अपने अपने साथी आकाश व कुलदीप जो परासी नेपाल के रहने वाले हैं उनके माध्यम से चुराई गई मोटरसाइकिलों को नेपाल भेज देते हैं। वहीं हंसराज निषाद व दीनानाथ ने बताया कि हम लोग हड़हा में किराए का मकान लिए हैं और दिखाने के लिए वहां पर पेंटिंग आदि का छोटा मोटा काम करते हैं और रात्रि में तथा दिन में वाहनों के चोरी का काम करते हैं। आज जब हम लोग चोरी करने हेतु निकले हुए थे तभी आप लोगों द्वारा पकड़ लिए गए तथा आकाश और कुलदीप जो नेपाल के रहने वाले हैं वह भी गोरखपुर और इसके आसपास के जिलों में वाहनों की चोरी करके बरगदवा व इटैया के रास्ते सुबह के वक्त चोरी के वाहनों को लेकर नेपाल चले जाते हैं। पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि रेलवे बस स्टैंड के पास मोटरसाइकिल स्टैंड में व बीआरडी मेडिकल हॉस्पिटल के मोटरसाइकिल स्टैंड में चुरा करके हम लोगों ने गाड़ियों को खड़ी किए हैं, जिसके निशानदेही पर 5 चोरी का वाहन बरामद किया गया। उन्होंने बताया कि इनकी दोस्ती आपस में फेसबुक के माध्यम से हुई थी। हंसराज निषाद अनेकों बार नेपाल जा चुका है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, थाना उप निरीक्षक अभिनव कुमार मिश्रा, दिग्विजय सिंह परमार, रुद्र प्रताप सिंह, अरविंद यादव, तूफानी गौतम, कांस्टेबल टीपू सुल्तान, अशोक यादव, राहुल शाह शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, उसके लिए वेटिंग जा रही है, जेल नहीं है। और जैसे कर्जा मांगते हैं इन लोगों से भी, हमारे यहाँ से 2-3 गाड़ियाँ हैं डूब गई हैं। हाँ सर, इसको से बात करेंगे।
इंस्पेक्टर कैंट के नेतृत्व में एक अंतर जनपदीय गिरोह है जो कि दो पहिया वाहनों की चोरी करता था और उसे नेपाल लेकर के बेच देता था, उसका खुलासा किया गया है। इस क्रम में कल रात्रि में भ्रमण के दौरान ये तीन मोटरसाइकिल्स इनके पास से बरामद किए गए थे। कल लगभग 10:45 बजे पावर हाउस कॉलोनी मोहद्दीपुर से इन्हें गिरफ्तार किया गया था। इनके नाम है हंसराज निषाद, दीनानाथ और अनिकेत राय, ये तीन लोग हैं। और इनके साथ जो दो सहयोगी हैं आकाश और कुलदीप, ये लोग नेपाल के रहने वाले हैं, जिनसे संपर्क में रह के ये लोग उनको बेचते थे। इनकी निशानदेही पे 5 और मोटरसाइकिल बरामद की गई है। ये लोग रेलवे स्टेशन पे या फिर बीआरडी मेडिकल कॉलेज की पार्किंग में चोरी करने के बाद इन मोटरसाइकिल्स को खड़ा कर देते थे और उसके बाद उसे नेपाल लेके जाते थे। इनके पास से 8 बरामदगी हुई है, पल्सर, बुलेट, स्प्लेंडर, पैशन एक्सप्रो, पल्सर, स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर और पैशन प्लस, ये इनके पास से बरामद हुआ है। मुकदमा दर्ज किया गया 186/22 और 184/22 दर्ज किया गया, बाकियों की अभी खंगाले जा रहा है और लोगों के आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है, जैसे पता चलेगा आपको बताया जाएगा। और अभी ये लोग बस्ती, देवरिया, महाराजगंज इन जिलों में भी चोरी करते थे, तो सारी अभी जानकारी की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, जैसे आगे जानकारी मिलेगी आपको बताया जाएगा।